नमस्कार। भत्रु गणतंत्र दिवस सभी देशवासियों का हार्दिक शुभकामनाएं। कि मैं देखे छयाल चाचा हिंदुस्तानी जिनको तुम अमन खेल मैदानों में देख रहा हूँ। आज मैं बात करूँ तुम्हें भीके सैन्य चैलेंजर ट्रॉफी जो कि हर साल के वाई साल एक तारीख पर शुरू है और 32 टीमें में आई। यदि केवल अलमोड़ जिला की टीम थी क्योंकि कोविड-19 चल रहा और बिहार टीमों को आना अलाउड नहीं थी, तो 32 टीमों बीच एक जोरदार मुकाबला हो भीका सेन राजकीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान में जो कि तुम्हारे सामने यो खूबसूरत मैदान छो। 26 बार यो टूर्नामेंट आयोजित हो तो बहुत लंबे इतिहास यो टूर्नामेंट हो। और क्रिकेट जैसे हमेशा कहूँ कि निगोग से खेल क्रिकेट रहो कई दाइयो अपन यस लेडी नेचर दिखे दियो कि समझ में नहीं आए। हर लोग अलग अलग टीमों को प्रदर्शन देखे काके लगो चौखुटी फाइनल जीतल, काके लगो सल्ट जीतल, काके लगो सियालदे जीतल, काके लगो राणखेत भाई टीम जीतल। लेकिन ये तो खूबसूरत मैच रहो कि जो टॉप फोर में टीम रही वो रही हमार सल्ट ब्लॉक के कुल कुल मानिला, सियालदे ब्लॉक के 11 स्टार सियालदे और भिकासन ब्लॉक के दुई टीम जी एक सिनोड़ा और दोहर सिमलधार। पहल सेमीफाइनल खेली को कुल कुल मानिला और सिनोड़ा बीच। क्या मैच थी गुरु, सिनोड़ा टॉस जीत पर पहली बल्लेबाजी करने की कोशिश करे और पहल 3 ओवर में 51 रन जड़ दी। तो लागो जी की और मानिल जो कि काफ़ी लोगों को फेवरेट छे और काफ़ी लोग छे मानिल और भिकासन ब्लॉक आपस में मिली हुई छे कि लोग पसंद करें जी कि मानिल जीतल। लेकिन सिनोड़ा चंदन जो बैटिंग करी वो के देख लागो कि आज मानिल इसको वापस जानी भले। लेकिन फिर मानिल जो वापसी करी हरीश दीपक जयपाल रामू यू नो बॉलर छी उन्होंने काफ़ी कस दी पजे सिनोड़ो और सिनोड़ो सिर्फ 15 ओवर खेल में 124-125 रन के बने गई। लक्ष्य आसान छी लेकिन तारीफ करने पर छोटे स्कोर चेंज करण जी सिनोड़क गेंदबाजू जिन्होंने मैनला बल्लेबाजू को दबोच बदल दियो और मैनलक कहते हैं 7-8 ओवर में के 50 रनों हेर पेड़ छी। तो बड़े मुश्किल है कि जी मैनल जी 7 ओवर में को 70 रन चाहे जी रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी बढ़ गई छी और मैनला विकेट ला 5 गिर गई छी। तहीं आए एक लौंड खेले हो मुकेश भाकुनी जहाँ दिहापन रन करी कपाला और कपाला देखने के लिए और शॉट मारने के लिए यश छी जैसे आंद्रे रसेल छे जो पॉपुलरिटी आंद्रे रसेल इंडिया में अर्जित करे वही कपाला लिया अर्जित करी और एक जोरदार मुकाबला होते हैं बस सिनोड़ा बॉलर और कपाला बीच। खूबसूरत 3 चौके और ताकत पर 3 छक्का को बॉल गगास में लफाई को बॉल मतवल बद्रीनाथ रोड पर लफाई और को बॉल और बॉलर मध्य जो छे 6-0 जी मारी। मात्र 10 बॉल खेली और 30 रन कपाला जड़ी और मैनिल के मैच में वापस ला गए। जी ए दे लागू हो जी कि बड़े एरामल या मैच के सिनोर जीत जाए पहली बैटिंग में और फिर बॉलिंग में वेल कपाला रूप काम नहीं दी और फिर मैच कपाला आउट होना बाद मैच फिर रोचक हो गए। आखिरी विकेटल जी 9-10 रन चेची और कोई 7-8 बॉल छी तहन लागू जी कि सिनोर वापस कर पाए वापसी कर पाए। लेकिन एक वाइड बॉल पर चौका जड़ल मैच मानिल तरफ मोड़ दे और मानिल पहले फाइनलिस्ट बन गए। वही बाद दोहर सेमीफाइनल छी स्टार 11 सियालदे और सिमलधारा बीच। पहली 2 ओवर जरा क्या करो यो मैच ब्याह होने वेल मौसम जरा बहुत जल्दी हो न दिन घाम अच्छा जानी पहाड़ों में और लाइट व्यवस्था नहीं रहे तो यल जी बोल बार बार ओवर करो। सियालदे पहली बल्लेबाजी करे क्या खूबसूरत बल्लेबाजी करी चंदन एक लॉन्च सियालदे टीम में जो कि मछखाली रानी खेतों के चोज लेकिन सियालदे तुरब खेलो उन्होंने सब दगड़े थो तो जानी क्या खूबसूरत बल्लेबाजी करी वह नाबाद अर्धशतक बना और 12 ओवरों में 144 रन कूट दिए यानी 12 रन प्रति ओवर हिसाब है। और यह वही मैच है जो मैं चंदन और सियालदे टीम खेले है 11 स्टार सियालदे सिमलदार देखे। यह बॉल बहल बॉल छी विकेट कीपर मनराल बोला तो बॉल छी अलॉट कि बहुत जोरदार विकेट कीपर में एक छी हमार अलमोड़ जिला। यद कि अपन टीम यहाँ सियालदे भैया बागेश्वर तक नहीं जाओ वहाँ अगर बात करें जो नैनताल है बेताल घाट तक नहीं जाए था रामनगर तक यहाँ पर टीम बहुत बॉल विकेट कीपर कप्तान ले टीम अब यह बीच एक बॉल भैल बॉल छी भरत के भरत बॉल के खेला थर्ड में तो फील्डर को मौजूद छ 1 रन लेना नहीं रोक पाओ हल्के हल्के एनर्जी सेविंग के साथ साथ दियो बल्लेबाजू अब आप छोर बदल ले 1 रन है सिमलधारा लौट लिया। सिमलधारा शुरुआत ले भैल नहीं रहे और 30-32 रन पर 3 विकेट है गई हो और थोड़ा मुश्किल हालात जरूर छे इनल जी। यह बॉल कदम इस्तेमाल कर बॉलर
दिमाग तो तेज आप बुद्धि चातुर्य प्रदर्शन को बोल रहे और बल्लेबाज मन पड़ लो बॉल छोट करी और बल्लेबाज बैट फे ले बे बॉल निकल गया और इनके बल्लेबाज आउट हो गए। तो वो बात जब यह मैच जीता सियालदेह और दौर फाइनलिस्ट के सियालदेह दोनों खिलाड़ी आपस में गले मिलते हुए हैं। सल्ट जो मानिला टीम जो मैच जीती और एक खूबसूरत ट्रॉफी जो छू मानिला नौ कही गए यो ट्रॉफी तुमको देखे हैं। वही बात विजय जुलूस देखो मानिला विजय जुलूस निकलो हो भिकासन बाजार में यो कपाला यही से सफेद टी शर्ट वाला मैन ऑफ द सीरीज लेके मिली और वो बात ना आप देहा नह गए देखा तो देखा साइकेत तो साइकेत और मैं चो कमेंटेटर भूपेश उपाध्याय मैं सोचा किला ना गाड़ा किनार बैठ बे पहाड़ों आनंद ली जाओ और तुम लोग मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब